सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे नफरत की खेती से पैदा किए गए उन ज़ोंबियों की जिनके लिए इंसानी खून की कोई अहमियत नहीं है। किसी फिल्मी तर्ज पर देश में पिछले दिनों एक हृदय विदारक घटना घटती है। एक ट्रेन रेल की पटरियों पर सरपट दौड़ रही है। 12956 नंबर की यह ट्रेन जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। 31 जुलाई को सुबह तड़के 5 बजे से 5:15 बजे के बीच वापी और बोरीवली रेलवे स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन में ही ड्यूटी पर तैनात 30 वर्षीय आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह गोलीबारी करता है। वह पहले B5 कोच में अपने साथ ड्यूटी पर तैनात अपने सीनियर ASI टीकाराम मीणा पर गोली चलाता है, फिर उसी कोच में एक यात्री की भी गोली मारकर हत्या करता है। इसके बाद आरोपी पेंट्री कार से आगे बढ़ता है और वहां मौजूद तीसरे शख्स पर फायरिंग करता है, फिर पेंट्री कार के सामने S6 डिब्बे में चौथे शख्स को गोली मार देता है। ASI टीकाराम मीणा के अलावा अन्य 3 मृतक व्यक्तियों के नाम सैयद सैफुल्ला, अब्दुल कादिर और असगर अब्बास शेख बताए गए हैं। आशंका यही है कि हत्या घृणा अपराध के तहत की गई है, जिसे हेट क्राइम कहा जाता है, क्योंकि ट्रेन से वायरल हुए वीडियो में चेतन मोदी योगी के नाम से धमकियां देता नजर आ रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच में भी वह सहयोग तो नहीं कर रहा बल्कि नारे लगाता है। अब खाकी वर्दी वाला सुरक्षा नहीं करता बल्कि कथित तौर पर अपनी विचारधारा से मेल न खाने वाले लोगों को ऑन ड्यूटी भून देता है। हरियाणा में नफरत का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे ऐसे ही एक व्यक्ति मोनू मानेसर के समर्थन और विरोध को लेकर ही हरियाणा भी झुलस रहा है। इस शख्स की शह और गोरक्षा के नाम पर इस इलाके में हुई मॉब लिंचिंग की में कई जाने गई है। इस शख्स को कुछ संगठनों का खुला समर्थन मिल रहा है। हरियाणा के नूह जिले के ब्रिजमंडल यात्रा में मानसरोवर के शामिल मानेसर के शामिल होने से की खबर फैलने के बाद तनाव फैल गया था और हिंसा दंगों के बाद तनाव गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिलों तक फैला। अनेक धार्मिक स्थलों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। जहां दंगे के कारण हिंदू श्रद्धालुओं को मंदिर में शरण लेनी पड़ी, वहीं एक मस्जिद के नायब पेश इमाम की हत्या कर दी गई। यह नफरत आखिर एक दिन की तो नहीं होगी, इसे पाला पोसा गया है। इस तरह की सामान्य घटनाएं सामान्य नहीं है। इसके लिए सत्ता में बने रहने को बेचैन नेताओं का प्रचार तंत्र जिम्मेदार है। इन्हीं तत्वों के दुष्प्रचार ने चेतन जैसे लोगों की लगों में नफरत का खून भरा और उन्हें चलता फिरता ज़ोंबी बना दिया। नफरत को पाले हुए चेतन और मानेसर जैसे ज़ोंबी कभी भी किसी को नोच सकते हैं, मार सकते हैं, मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, दंगे करवा सकते हैं। यह IT सेल की नफरत वाले कारखानों के वह उत्पाद बन गए हैं जो मानव बम बनकर समाज में घूम रहे हैं। इसके लिए बिके हुए मीडिया और TV की वह स्तरहीन और नफरत फैलाने वाली बहसें जिम्मेदार हैं जो एक पार्टी विशेष को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए इस देश की नस्लों में सालों साल के लिए नफरत बो रही हैं। इतिहास गवाह है कि जर्मनी में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। नाजियों द्वारा आम आदमी को यहूदियों का दुश्मन बना दिया गया था। जर्मन तो फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नफरत से उपजे इस तूफान में सिर्फ तबाही के नामों निशान बाकी रह जाएंगे। हिंदू मुसलमान इस देश की साझा संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस देश को गढ़ने में मुसलमानों का भी योगदान है। मुसलमानों में अशिक्षा और पिछड़ापन बहुत है, यह खुद मुसलमान भी मानते हैं। यह उसकी कमजोरी तो है, लेकिन किसी की अशिक्षा या उसका पिछड़ापन उसके खिलाफ हिंसा की जायज वजह तो नहीं हो सकती। देश के किसी भी कोने में हर पैदा होने वाला मुसलमान देश की वैसी ही स्वाभाविक संतान है जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम विरोधी और इस्लाम विरोधी भावनाएं इस कदर भड़का दी गई हैं कि मुसलमानों को हर दिन अपने वतन परस्त होने का सबूत देने की मजबूरी हो गई है। अब्बाजान, तालिबान, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बुलडोजर, कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचानो जैसे जुमलों से मुसलमानों पर कटाक्ष किया जाता है। ये सब कब रुकेगा, कहा नहीं जा सकता। हिंसा का समर्थन हिंसक तत्वों के हौसले बुलंद करता है, नतीजा सामने है। यही बात मुसलमानों पर भी लागू होती है। गनीमत है कि देश के सहिष्णु हिंदू भाई खुलकर पीड़ा में उनके साथ होते हैं। मुसलमान उनका शुक्र मनाए, उनका साथ दे। दौर बुरा है, संयम और संवेदनशील बिरादरानी वतन ही परिवर्तन और देश के उज्जवल भविष्य की आस है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला हम आपके सामने लाते रहेंगे। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल या इसमें कोई सुझाव आप देना चाहें तो हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाकर गौरवान्वित महसूस करेंगे।
जय हिंद।